कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ रहा है फिल्म मेडे को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीग्राफ स्टूडियोज की एकदम नए वीडियो में। आज बात करेंगे बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म मेडे के बारे में, जो कि काफी समय से चर्चा में है। कुछ समय पहले ही फिल्म मेडे की अनाउंसमेंट करके अजय देवगन ने अपने फैंस को सरप्राइज दिया है। वहीं उनके फैंस बेसब्री से फिल्म की रिलीज डेट का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिल्म में एक्शन स्टार अजय देवगन के साथ साथ अमिताभ बच्चन और रकुलप्रीत सिंह मुख्य किरदार निभाते नजर आएंगे। वहीं हाल ही में खबर आई है कि अजय देवगन और बाकी कलाकारों ने फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में शुरू कर दी है और फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। अजय देवगन ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी खुद दी है। अजय देवगन ने ट्वीट किया है, स्टार्ट टू फिनिश शेड्यूल में मेडे की शुरुआत करके मैं काफी खुश हूँ। भगवान और माता पिता का आशीर्वाद मैंने ले लिया है। मेरे सभी फैंस, परिवार और चाहने वालों के सपोर्ट के बिना कुछ भी पूरा नहीं है। ये फिल्म 29 अप्रैल 2022 को रिलीज होने जा रही है। वहीं ये फिल्म अजय देवगन के लिए बहुत खास है, क्योंकि इस फिल्म को अजय देवगन खुद ही डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी करेंगे। यू, मी और हम और शिवाय के बाद अजय देवगन एक बार फिर से डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार है। वहीं पहली बार फिल्म इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन को डायरेक्ट करने जा रहे हैं, जो कि लीड रोल निभाएंगे फिल्म मेडे में। आपको बता दें कि फिल्म मेडे के जरिए अजय देवगन और अमिताभ बच्चन लगभग 13 सालों बाद दोबारा साथ काम करने जा रहे हैं। वहीं हाल ही में रकुल प्रीत ने भी अजय देवगन के साथ काम करने की एक्साइटमेंट जताई है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि मैंने पहले भी अजय सर के साथ काम किया है और अब दोबारा उनके साथ काम करने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। फिर ना सिर्फ मेरे को एक्टर होंगे बल्कि मेरे डायरेक्टर भी होने वाले हैं। जब मैंने एक्टर बनने के बारे में सोचा था, तब से बाकी लोगों की तरह मेरा भी सपना था कि मैं अमिताभ बच्चन के साथ काम करूं। अब मेरा वह सपना आखिरकार पूरा होने जा रहा है और मैं बहुत खुश हूं। रकुल प्रीत पहले भी फिल्म दे दे प्यार दे में अजय देवगन के साथ नजर आ चुकी हैं। वैसे इस खबर के सामने आते ही रकुल प्रीत सिंह सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड होने लगी है। हालांकि उनकी कुछ फिल्म में उनको कास्ट करने की वजह से कुछ लोग नाखुश नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इस बात से नाराज हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच के दौरान एनसीबी द्वारा ड्रग्स मामले में बुलाए जाने के बाद और क्लीन चिट ना दिए जाने के बाद भी उन्हें फिल्म कैसे मिल गई। लोग रकुल प्रीत के ड्रग कंजम्पशन से जुड़े केस के बावजूद उन्हें फिल्मों में कास्ट किए जाने से खफा नजर आ रहे हैं और इसलिए फिल्म मेडे पर कॉमेंट किए जा रहे हैं, जहां लोग ट्वीट करके अपनी नाराजगी जता रहे हैं और इसी वजह से ये फिल्म से जुड़ी एक कंट्रोवर्सी बन चुकी है। और अब मेडे जैसी फिल्म को इस कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ रही है। वहीं आपको बता दें कि रकुल प्रीत सिंह इन दिनों मालदीव्स में अपने परिवार के संग छुट्टियां मना रहे हैं और हाल ही में एयरपोर्ट से उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। रकुल प्रीत पिछले दिन अर्जुन कपूर के साथ एक फिल्म की शूटिंग में देखी गई थी, जिसका नाम अभी पक्का नहीं किया गया है। और फिल्म में शूट होने वाली इस फिल्म में जॉन अब्राहम और अदिति राव हैदरी भी कास्ट किए जाने वाले हैं। दोस्तों, हालांकि इस फिल्म में अजय देवगन आपको फिल्म का डायरेक्शन करते नजर आएंगे, लेकिन इस फिल्म में अजय देवगन एक पायलट का किरदार भी निभाएंगे और इस फिल्म के टाइटल से ही आप समझ सकते हैं कि फिल्म कितनी रोमांचक होने वाली है। क्योंकि फिल्म में मेडे शब्द से जुड़ी कोई भयानक घटना दिखाई जाएगी और दोस्तों आपको जल्द ही एक हवाई विमान से जुड़ी जबरदस्त कहानी बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी। दोस्तों, आज के लिए तो बस इतना ही, लेकिन अगली बार मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक आप कमेंट करके फिल्म के बारे में अपनी राय जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को, जिससे आने वाली सभी नई फिल्मों की खबरें आपको टाइम पर मिलती रहे। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है मुस्कान चावला ने।